तो आज नाना नानी की कहानी जो है उसका सेशन रहेगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इस बच्ची के पास। क्या नाम है आपका? अंजलि अंजलि। किस क्लास में पढ़ती है? फिफ्थ। तो अच्छा, तो कहानी है। हाँ, तो बोलो। आखिर सो शेख जिन तिम गे सोर कर सूर कर ने वैसे ते से वारा दोस्त ता ते से अगज नान मन वुर बिच में सिलेज कर वाई वाई निंद्र में लेज कर सन ता ये शेख जिन लोग दो इसलिए में से बहुत अच्छा था ये मने एन खिचरी लोग ते स्टोन ते ते से हाथ पन से के गे उसार लेज के दे उन चीक पीस के तिम पत्ता बिन वार गे सूर कर ने उछन छतस मन डोल बेकी लेग सूर कर सो लोग डोल डोल वायन पीस तात ते पता बीन वार ले जिस त्रेश दोन लोग जने ने पाएं दे दोन ले जिस गा गरिस में चुई ताते वुछिन मैच लोग क्यों मैच पा लोग दोन दोन बे बुची हूँ पाएं दोन ले जिस नावल सन नौ उनके दोन लोग में चुई चिप के दोन ले जिस उन छे मून ठोक बिसे बिसाने देन ठोक उनके बिसे लोग के दिन दस पन लुटकाएं पा ले जिदों फलेन ने सुई उन जाई गुआन तक गतास में रहे गबुड़ बैन पाद गियो तो फिर ऐ सूर नु तो के सुते पा लोग दो दो में छु गुब पन गबुड़ दो दो बठोग छोक स्थान तो शेख जिल दो दो बछो में शेख जिल मित्र सो आराम सो मिल लागे पा लगे तो सो कुछ दो दो बछो शेख जिल में दियो सैरी त्रीर तीर तो नत नत बुदो मोती मन हाँ ये कुनू दो दो तो टाइम बस। बस। हाँ ठीक, तो आपकी कहानी हो गई। तो अब दूसरी बच्ची बोलेगी। क्या नाम है आपका? अंकिता अंकिता। कौन सी क्लास? फिफ्थ। फिफ्थ। तो बताओ क्या कौन सी कहानी है? एक बुढ़ी थी, वो अपनी बेटी के पास जा रही थी। सामने से शेर आकर बोलता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़ी बोलती है, अभी नहीं, मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी, फिर मुझे खाना। आगे चलती है, आता है बियर, बोलता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। बोलती है, मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी, फिर मुझे खाना। फिर वो आगे चलती है, फिर उससे एक बकरा आता है और बोलता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी के पास पहुंचूंगी। ऐसे ऐसे कहकर उसे बहुत सारे बोलते हैं, मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर वो बेटी के पास पहुंचती, वहाँ कुछ नहीं खाती है। फिर वो उसकी बेटी पूछती है, तुम क्यों नहीं कुछ खा रही? तो उसकी माँ बोलती है, मुझे इतने लोगों ने कहा है कि मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा, तो मैं कैसे खाना खाऊँ? उसकी बेटी बोलती है, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें एक तरीका दिखाऊंगी। फिर उसने खाना खाया और जब वो घर जा रही थी तो उसे एक संदूक में बंद कर दिया। और बोलते हैं, आगे जाकर उसे बोलता है ये बियर की ये बुढ़ी देखी? वो बोलती है, मैंने बुढ़ी नहीं देखी, मुझे आगे तक धक्का दे दो। फिर वो उसको आगे तक धक्का दे देती है। फिर शेर आता है, वो भी उसे आगे तक। फिर जब छीप आती है तो वो उसे बगल देकर उसको संतुक टूट जाता है, वो बाहर निकलती है। सब बोलते हैं, बुढ़ी मिल गई, बुढ़ी मिल गई। फिर सब लोग जाते हैं कुछ लिद लाने, तीर लाने, और एक कौकड़, ये कौकड़ और शीप को वहाँ पर बांध रखते हैं। वो बुढ़ी वो फूटा हुआ उठाती है संदूक और गोबर को डालती है भाचे और कुक्कुट को डालती है फल, और फिर ऊपर चढ़कर उन्हें टर टपर करने लगती है। वो वापस आते हैं तो देखा कि बुढ़ी वहाँ नहीं है। फिर वो उसी कुक्कुट और मुर्गे को, कुक्कुट और उसको शीप को बनाकर खा ले बना खाने वाले थे, अभी बुढ़ी उसे टर टपर करने लगी। और फिर वो डर कर भाग गए। फिर बुढ़ी ने सारा खाना खा लिया और अपने घर चली गई। बस हो गई इतनी। कहानी। हाँ शाबाश।